नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीओएस में। समीक्षा अधिकारी री एग्जामिनेशन जिसकी डेट है 22 दिसंबर 2024, उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज नेक्सस जीएस की तरफ से चलाई जा रही है। उस टेस्ट सीरीज का सिर्फ एक उद्देश्य है, कम से कम 140 प्रश्न जो जीएस के पूछे जाते हैं, 70 प्रश्न आपको डायरेक्ट इसी सीरीज से मिलेंगे। और ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि जीएस और करंट अफेयर्स दोनों के ही प्रश्न इस सीरीज में कराए जा रहे हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 159th रैंक पर रहा है। राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीती, तो 8 सीटें जीती थी। आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 26 फरवरी से 1 मार्च तक किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में हुए मेयर चुनाव के परिणाम को रद्द करके दोबारा वोटों की गिनती कहां पे करवाई गई थी, चंडीगढ़ वाला मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। और ये बात है फरवरी 2024 की, जब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और ये आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। तो चंडीगढ़, फरवरी 2024 के दौरान किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया था, तो ग्रीस ने। हाल ही में किसके द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। देखिए सीरीज सुबह 8 बजे नेक्सस जीएस के फेसबुक और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की जाती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 30 से 35 प्रश्न जो है वो आपके रहते हैं। और इसका सीधा सा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में मिलें। 140 में अगर 70 प्रश्न आपको मिल जाते हैं तो यकीन मानिए कि उधर आप 50 से 55 नंबर हिंदी में प्रैक्टिस करके पा सकते हैं और 125 में आपकी मेरिट आपकी क्वालिफाई हो सकती है। क्या किस राज्य के कैबिनेट द्वारा जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई, तो असम। किस देश ने भारत के 8 पूर्व नौसेना कर्मियों की मौत की सजा को खत्म करने के बाद रिहा कर दिया, कतर ने। फरवरी 2024 के दौरान किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई, तो सिक्किम। 74वें और 75वें संविधान संशोधन द्वारा 35वें और 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सहराज्य और पूरे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। सिक्किम काफ़ी फेवरेट है आयोग का और इस रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि को 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 25,000 कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई, तो संभल में। निम्नलिखित में किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते हैं। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु कितनी थी, लगभग से 70 वर्ष हुआ करती थी। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया, तो वर्ष था 1957 का, जब दक्षिणी राज्य केरल में विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब भाकपा ने कांग्रेस को हराया। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में नमदूरी पाद ने स्वतंत्र भारत में पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था। इन घटनाओं को पढ़ना है, इनके बारे में बात करनी है। लखनऊ समझौता 1916, चंपारण 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919। 1, 2, 4, 3 पहला ही ऑप्शन सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को, सांप्रदायिक निर्णय जो हुआ था वो 16 अगस्त 1932 को हुआ था, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो सही जो कालानुक्रम है 1, 4, 3, 2 है, पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इसमें भी आपका घटनाओं पर विचार करना है, तो सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था 16 अगस्त 1920 को हुआ था, पूना समझौता कब हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था, तृतीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था 17 नवंबर 1932 को हुआ था,
अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करें 1940, तो 4-2-3-1 बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ था 1931 में, सामुदायिक पंचायत निर्णय 16 अगस्त 1932 का है, तो इसमें आपका क्या मिलान होगा 4-1-3-2, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बक्सर युद्ध 1764 सही है, सहायक संधि 1863 गलत है। देखिए, भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेजली ने सहायक संधि को 1798 में स्टार्ट किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद प्रथम था। बक्सर के युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के अधिनियम से पूर्णता समाप्त घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 सुमेलित है। तो आपका बी जो है वो सुमेलित नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें भी आपका मिलान करने वाली चीज़ें हैं, तो सूची एक और सूची दो में आपका मिलान करना है कौन किस तरह से आता है। तो ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो रहा वो आपका लॉर्ड मिंटो से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बात करें तो ये आपका प्रांतीय स्वायत्तता से रिलेटेड है, और उसके बाद लखनऊ समझौता 1916 का है, और भारत शासन अधिनियम 1919 जो है वो द्विशासन पद्धति का प्रारंभ से संबंधित है। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था। ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था, तो ये पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया था। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था। तो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है, कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में स्थित है। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना करीब 1910 में की गई थी, और ब्रिटिश राज के समय यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से रिलेटेड है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक सही है, पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहंदी सही है, जनता की योजना विनोबा भावे गलत है। देखिए, जनता की योजना या पीपुल्स प्लान का मसौदा जो है भारतीय श्रम संघ की ओर से एमएन रॉय द्वारा तैयार किया गया था। पीपुल्स प्लान में आर्थिक विकास के एक 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है। तो सरकारी आवास का नाम क्या होता है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन थे। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया हो, तो किसने दिया था, रिचर्ड निक्सन ने दिया था। इंडिया विंस फ्रीडम के बारे में बात करें तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा का नाम है। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक ए.के. आज़ाद साहब हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, किसकी जीवनी है, स्प्रिंगिंग टाइगर जीवनी है सुभाष चंद्र बोस साहब की। निम्नलिखित में कौन सही एक सुमेलित है। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेहरू जी की है, अनहैप्पी इंडिया आपको बतानी है लाला लाजपत राय की है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया साहब की है, तो ये सही सुमेलित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित नहीं है, वी डी सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सही है, आर सी मजूमदार द सिपाही म्यूटनी रिवोल्ट 1857 ये सही है, राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट ये गलत है। अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक जो हैं रुद्रा गंशु मुखर्जी साहब थे। नेक्स्ट है, कुछ और लेखक हैं उनके पुस्तक के शीर्षक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वी डी सावरकर जो हैं वो आपका द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक रहे हैं, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बी आर आर सी मजूमदार के बारे में बात करें तो द स्पॉई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के राइटर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एस बी चौधरी के बारे में बात करें तो एस बी चौधरी सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज के राइटर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है लास्ट जो बताया है वो आपका लास्ट में ही होता है, अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन से रिलेटेड है।
प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई थी। तो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा, बहुत फेमस है। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गुरुमुख निहाल सिंह साहब हैं। तो ये रहे आज आपके 35 क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट 35 के प्लस ही प्रश्न हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न आपके सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। थैंक यू सो मच।